अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। हाय 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 हाय, क्या कमाल मौसम है यार, माशाल्लाह बारिश वाला सीन है, हल्की 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 गिनमिन भी हो रही है। मैं बस अभी उठा था, बाहर निकला, मन का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये क्लिप ऐड करें कि माशाल्लाह मौसम कितना मज़ेदार और ये व्यू कितना प्यारा है यार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के फजल शुक्र और रहमत के साथ आज के करते हैं व्लॉग स्टार्ट। उम्मीद है कि आप सब कैरियर से होंगे, खुश बाश होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा है और मैं अभी उठा हूँ तो उसके बस रेडी हुआ था, बनकर चलें व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लें। तो आज आप देख रहे होंगे मैंने ब्लैक सूट पहना, आई थिंक ये मेरे व्लॉग की रूटीन में पहला सूट है जो मैंने आज मतलब प्योर ब्लैक पहना है। उसकी रीज़न ये है कि मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था ब्लैक सूट पहनने को और आज मौसम भी थोड़ा मतलब बेहतर था, मन कहते हैं बाद ब्लैक सूट पहनने। तो आज थोड़ी सी मतलब डिस्कशन होनी है बड़ी सीरियस वाले से, तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर पुराने और चैनल सब्सक्राइब के बगैर मेरी वीडियो व्लॉग देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे अच्छे शॉर्ट देखने को मिले। तो डिस्कशन ये है कि हमने इंशाल्लाह जो बसंत एक खूनी खेल है उसके वाले से डिस्कशन करनी है क्योंकि पिछले दिनों आपको पता है हमारे फैसलाबाद में हमारा एक भाई समनाबाद डिस्कोट रोड पे जो है ना वो डोर फिरने से बेचारा कतल हो गया। तो अल्लाह पाक जो है वो उसकी मकसद करे, उसके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए क्योंकि वो बेचारा एक बिल्कुल बेगुनाह था। घर से वो निकला अपनी वालदा को मिलके असर की नमाज़ पढ़ के कि मैं जा रहा हूँ इमाम बार का सलाम करने और आप खीर बनाएं, तब तक अफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा। बस बेचारे को क्या पता था कि मैंने जाना और वापस नहीं आना। और वो वीडियो मैं नीचे मतलब सात साल ऐड भी करता रहूँगा, वो बहुत ख़तरनाक वीडियो है यार, बहुत दिल जो है वो खून के आंसू होता है वो देख के। हालांकि पहले भी ऐसी अमवात हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो मतलब मौत थी इसको वीडियो कैमरे की आँख में इसको कैप्चर कर लिया और बहुत मतलब ख़तरनाक और होलनाक जो है वो इसकी वीडियो थी। तो आज घर जाके जो है वो तीन चार बच्चे हैं उनके साथ मिलके ना एक एयरपोर्ट कह रहा हूँ जिसका स्टैंड होता है कैमरे का, उसको मेरा नाम रेन से निकल गया, तो उस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे बच्चों के साथ और उनसे भी ऐड लेंगे कि यार आप लोगों ने जो है वो इस तरह के खूनी खेल से बचना है और इसमें हिस्सा नहीं लेना। हम अपने मिशन के तहत चल रहे हैं कि 2K सब्सक्राइबर्स हमने ईद से पहले कंप्लीट करने हैं, हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बाद में भी हो जाएंगे। अभी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। ये कि लाइक लाजमी किया करें यार, आप अभी लोग देखते हैं पर लाइक वगैरह नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो यार ये ज्यादा ना किया करें इस तरह की, जो भी लोग देखते हैं काइंडली लाजमी लाइक किया करें, एक बेल मतलब थंब जो है ना वो आपने प्रेस करना होता है तो उस पर कोई इशू नहीं होता और एक आधा जो है वो कमेंट करना होता है, कोई एक आधा मिनट भी नहीं लगता है उस पर, तो काइंडली लाइक कमेंट लाजमी किया करें, शेयर भी किया करें हो सके तो। तो ये कि हम घर चलते हैं, घर जाके शूज़ वगैरह पहनते हैं फिर निकलना है और घर जाके फिर जो भी एक्टिविटी मैंने आपको बताई है बच्चों की के साथ वो मतलब ऐड करना है और पसंद जो है वो एक खूनी खेल है, चलते फिर बात करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाय हाय क्या लवली मौसम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप देख रहे हैं फजल बुखारी फैमिली का यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने सुबह के व्लॉग में मतलब स्टार्ट जब किया था तो उसमें बताया था कि आज मैंने जो है वो पतंगबाजी, क्योंकि एक खूनी खेल है और उससे हमने बचना है, क्योंकि जो पिछले दिनों फैसलाबाद में समनाबाद में जो मोहम्मद आसिफ के मतलब डोर फिरने का वाकया हुआ बहुत दर्दनाक और होलनाक वाकया है, क्योंकि आज से काफ़ी पहले मतलब वाकया इस तरह के होते रहे हम बात के, लेकिन ये कैप जो वाकया था ये इसको कैमरे की आँख ने जो है ना वो कैप्चर कर लिया, तो इसकी वीडियो मतलब पूरे सोशल मीडिया पे जो है ना वो मतलब ओवरऑल फैल गई, तो देख के बड़ा दुख हुआ और अफसोस हुआ कि वो भी मतलब है तो हमारा भाई है और उसकी ईद के बाद उसकी शादी थी, घर से वो बेचारा निकला है कि यार मैं ना अपनी वालदा को कहा कि असर की नमाज़ पढ़ी है उसने, और उसने अपनी वालदा को कहा कि मामा आप ना मेरे लिए खीर बनाएं तो मैं ना इमाम बार का सलाम करने जा रहा हूँ, तो वो बस बेचारा सलाम करने गया तो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो उसकी वीडियो देखी है उससे बहुत जो हमारा जो दिल है ना खून के आंसर हो रहा है, तो क्योंकि हम ये बच्चों को साथ खड़ा करने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो बसंत के बहुत शौकीन हैं और काइट उड़ाते हैं,
इनको साथ खड़े का खड़े करने का मकसद ये है कि इनको भी मतलब मैंने बताना, मैं इनका बड़ा भाई हूँ, कजन हूँ, इनका टीचर हूँ, और इनको बताना कि बेटा ये काम बुरा है, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि ये एक लड़के की जो है वो मतलब जान गई है, मतलब गई जाने तो काफ़ी गई हैं, लेकिन एक जो रियलिटी में जो चीज़ सामने आई है वो इन बच्चों ने भी जो है देख ली है। तो इनको खड़ा करने का मकसद ये कि इनको मैंने बताना कि बेटा ये काम बुरा है, इसको हमने नहीं करना, और इनसे मैंने अहद लेना है और इनसे भी डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मेरे पास कुछ बच्चों के पास गुड्डे वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो गुड्डे हमने जलाने हैं, और आज के बाद इन बच्चों से हमने अहद लेना कि आप लोगों ने इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। तो बेटा ये पकड़ाएं मुझे गाइड वगैरह सारी। ये देखें ये बच्चों की गाइड वगैरह, ये हमने मतलब सारी बर्न करनी है, बल्कि फाड़ी दें यार, बर्न क्या करनी है, ठीक है। इधर सारे आप लोग जो है वो करें, हिस्सा डाल लें, हिस्सा डाल लें अपना। ये देखिए जी, हमने साइड पर बिल्कुल फाड़ दी है, क्योंकि हमने एक मुहिम का आगाज कर दिया कि गुड्डे फाड़ो और इस मुहिम का जो है हमने चलाना है। और बसंत से जो है हमने हर एक अपने बच्चे को और स्टूडेंट को मना करना है कि बेटा ये बेसिक जो जिम्मेदारी होती है वो पेरेंट्स की होती है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों पर सख्ती करें, क्योंकि आज जो है वो उस बच्चे की जो है वो शहादत हुई है, उस बच्चे का जो है वो कत्ल हुआ है। जाहिर सी बात है वो भी किसी माँ बाप का एक बेटा था, और उसकी ईद के बाद शादी भी थी। तो जाहिर सी बात है जब हम इस चीज़ को देखते हुए अपने दिन में हमारे अपने किसी भाई का, या अल्लाह माफ़ करे कल को हमारा भी जो है वो ये मतलब टाइम हो सकता है, तो इसलिए इन बच्चों को भी मैंने खड़ा किया है कि आज से हमने ये अहद करना है। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें हमारा कोई व्यूज़ लेने का या कोई मतलब ड्रामेबाजी करने का कोई सीन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रोज़ा है और तकरीबन बच्चों का भी रोज़ा है, जो बड़े बच्चे खड़े इनका भी रोज़ा है। तो हम रोज़े की हालत में याद कर रहे हैं कि हमने आज से ये काम नहीं करना, और हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और इन बच्चों को भी मैंने ताकीद किया कि बेटा आप लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं करना आज के बाद, आप समझें कि तंगबाजी बिल्कुल ही सिरे से ख़त्म हो चुकी है। इससे इसके अलावा और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें हिस्सा लेना चाहिए। तो ये कुछ बच्चे हैं मेरे पास, इनसे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा छोटे हैं। ये इन बच्चों से हैदर से बात करते हैं। हैदर आप कुछ कहना चाहेंगे यार? जी भाई, मुझे तो बहुत शौक था पतंगबाजी का, लेकिन जब से भाई को डोर करिए तो वैसे दिल भी नहीं मानता अब ये काम किया जाए। बाकी हम बैठ करते हैं कि अब हम किस तरह का कोई काम भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, हैदर सही कह रहा है। हाँ जी अली हसन, आप भी कुछ कहें? जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पतंगबाजी छोड़ दें, और ये बिल्कुल नहीं, यानी कि शोर में नहीं है, तो बिल्कुल इसकी ये बुरा काम है, फजूल खर्ची भी है, बुरा काम भी है, किसी की मौत की हमारी डोर की वजह से जो है वो किसी की मौत हो, तो इससे बेहतर है कि हम ये जान इससे जान छुड़ा लें। हाँ जी तैमूर साहब, मियाँ साहब आप बताएं। जी सर, मैं उस दिन गुड्डे उड़ाने जा रहा था, तो मैंने जैसी ही वीडियो देखी, मैंने उस वक्त सारे गुड्डे फाड़ दिए, डोर डोर भी मैंने जला दी, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हमारे डोर की वजह से किसी की जान चली जाए, या जैसे आज उसकी आशीष की गई है, कल को अल्लाह माफ़ करे हमें से भी कोई हो सकता है, हमारा कोई बहन भाई कोई बेटा, किसी के भी कोई डोर फिर सकती है। इसलिए हमने जो है वो मुसम्मम इरादा किया है कि हमने आज के बाद ये काइट जो फ्लाइंग है ना, इससे बिल्कुल बायकॉट करना है, और बिल्कुल भी इस साइड पे हमने नहीं आना। तो कुछ बच्चों के पास गुड्डे पड़े हुए थे, वो हमने मतलब फाड़ दिए हैं। तो यार ये गुड्डे पकड़ो, जरा जला भी दें इनको, जला देते हैं साथ पिन्ने भी। हाँ जी, पिन्ने साथ, थोड़ी सी डोर करती हैं, पिन्ने भी हैं छोटे से, वो भी जला देते हैं। बेटा आप सारे ना आओ, एक दो बच्चे इधर ले आओ बस। ये बिल्कुल जो है वो काइट की ये देखिए जी, ये इसमें पिन्ने भी हैं डोर के और काइट भी थी, वो हमने पहले फाड़ी हैं, उसके बाद हम जला रहे हैं, ताकि रियलिटी में जो है वो पता होना चाहिए कि इन चीज़ों से हमने मतलब जान छुड़ानी है। तो ये पिन्ना भी ऊपर दो यार। ये ऑलमोस्ट जो है वो गुड्डे तो आपके सामने सारे मतलब
सड़ चुके हैं और डोर भी जाहिर सी बात है आहिस्ते आहिस्ते वो भी जल जाएगी। बेटा आप लोग फिर ऐड करते हैं जी, क्या ऐड करना आपने? हमने पतंगबाजी नहीं करनी। हमने पतंगबाजी नहीं करनी बेटा, आप लोग भी कुछ कहें, छोटे बच्चे हैं आप लोग, इधर पीछे आओ ना लाइन में, जरा आप लोग भी इधर आ जाओ। इन बच्चों का, छोटे बच्चों का भी थोड़ा सा व्यू पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये हमारे मतलब यूथ की मतलब पहचान है और दो चार सालों में इन्होंने बड़े होना और यही शौकीन इन्होंने मतलब शौक जो है वो पाल के रखना है। तो क्या कहेंगे आप? पतंगबाजी ना करें, हादसा हो सकता है। आज किसी का भाई किसी का बेटा गया, कल को हमारी बारी भी आ सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। मुश्तबा बेटा आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमें इस काम से परहेज करना चाहिए, मुझे बहुत शौक था लेकिन अब मैं नहीं चला, सब कुछ जला दिए। बिल्कुल, आप कुछ कहोगे बेटा? मैं सही है। चलें जी, छोटे बच्चे हैं तो ये मतलब थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, लेकिन इनकी बड़ी मेहरबानी है कि ये मतलब मैंने इनको कहा है तो ये गुड्डे डोर इनके पास जो जो पड़ा हुआ था ये मतलब लेके आए। इन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, हम इस अहद में अपना जितना भी हाथ मतलब हिस्सा डाल सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। तो वो माशाल्लाह इनके दो पिंगे थे गुड्डे से जितने भी, तो बेसिक मतलब ये नहीं होता कि हम तो 40-50 गुड्डे ले आए, इनके पास जो पड़े हुए थे वो हमने मतलब मंगवा के तो उसको हमने आग लगाई और आपके सामने पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये मैसेज है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। आज मेरे जो व्लॉग का स्पेशल मकसद था वो यही था कि हमने काइट फ्लाइंग जो है ना उससे हमने बाइक आउट करना है। ठीक है बच्चों, कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? नहीं, चलें जी आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली आपने शेयर लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप भी बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।